और एक यहाँ पे एक बंदा लेके आया था, वहाँ से तो उतना तो मेरे को पता नहीं, वहाँ पे तो बंदे लेके आए मैं तो। सर मैं बोलती हूँ इसको लेके चला जाओ आप, कहाँ भी गरीब को कोई भी मारेगा इसको कैसे। यहाँ तो अभी तो लगभग धार 2 सप्ताह हो गए। हाँ ये टेम्पू वाला है, टेम्पू वाला आया था ले गया आपको यार। हाँ वो आपके घर में ले गए थे, घर में ले गया, यही छोड़ गया फिर से। नहीं वो तो आधे रास्ते में छोड़ दिया था, आधे रास्ते में छोड़ दिया। कि मैं इनको गुरुद्वारा साहब में रहने के लिए जगह लेके दे सकता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, परमानेंट तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि एक बेटी है, ये बहन है हमारी छोटी। तो जैसा कि आपने पहले भी बताया और आपने ये अपनी वीडियो में भी बोला कि कुछ लोग आते हैं इसको लेके जाते हैं, तो अगर तो इसकी मर्ज़ी होगी सबसे पहले तो मैं इसको गुरुद्वारा साहब में आज रहने के लिए जगह दे देंगे। मेरे साथ एक युवती है और ये इस समय एशिया होटल के पास है। कल शाम को मुझे कॉल आया था अननोन नंबर से और ये कहा कि एक लड़की है जो यहाँ पुल के नीचे ही रह रही है, उसके पास खाने पीने का कुछ नहीं है और शाम के समय में कुछ लोग यहाँ आते हैं और ज़बरदस्ती इसे गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, ज़बरदस्ती की जाती है और बाद में इसे यहाँ पर छोड़ जाते हैं। इस तरीके की जब शब्द का इस्तेमाल किया गया तो हमने उन्हें कहा कि आप उन्हें रात तक का इंतज़ार कराइए, सुबह हम उनके पास पहुँच जाएंगे। वो मेरे साथ है, इसी से बातचीत करते हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और इन्हीं से बातचीत करता हूँ कहाँ की है, नाम क्या है, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है जो कि इसको पहचानता है तो वो हम तक संपर्क भी कर सकता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शर्मिली है। आप कहाँ के रहने वाले? मेरे बीड़पड़ा। कहाँ है ये? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल। आप कैसे आए यहाँ, जम्मू कैसे पहुँचे? एक यहाँ पे एक बंदा लेके आया था। बंदा लेके आया था, कौन है वो? आप रिश्तेदार है कोई? मेरा रिश्तेदार नहीं है वो। अच्छा, आप कहाँ से आए? श्रीनगर डायरेक्ट वेस्ट बंगाल से आए कि किसी और रास्ते से? वहाँ से तो उतना तो मेरे को पता नहीं, वहाँ पे तो बंदे लेके आए मैं तो। आप ट्रेन पर आए, बस पे आए, ट्रक पे आए, किस पे आए थे? ट्रेन पे आई हूँ। ट्रेन पे आए? कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ पे तो अभी तो लगभग धार 2 सप्ताह हो गए। 2 हफ्ते हो गए? 2 हफ्ते धार हो गए। कहाँ रहते, कहाँ हो यहाँ? यहीं सो जाते पुल के नीचे? हाँ यहीं पे सोता हूँ। खाना पीना? अंकल देते थे। अंकल देते थे। रात को बोल रहे हैं यहाँ पे कोई लड़के आते थे, गाड़ी रोकते थे आपको, ऐसा कुछ है तो लेके गया आपको गाड़ी में? हाँ ये टेम्पू वाला है। टेम्पू वाला आया था? हाँ। ले गया आपको यहाँ? हाँ वो आपके घर में ले गए थे। घर में ले गया, यही छोड़ गया फिर से? नहीं वो तो आधे रास्ते में छोड़ दिया था। आधे रास्ते में छोड़ दिया। अभी एक भैया आए हैं यहाँ पे, अगर वो आपको कहीं रखवाए, कहीं रहोगे तो रह लोगे? हाँ रह लूंगी। रह लोगे? वहाँ से तो नहीं भागोगे? नहीं भागूंगी। घर छोड़ने का इंतजाम हो, घर चले जाओगे? चले जाओगे वापस? पापा का क्या नाम है? रतिराम। 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 मम्मी का? नियाज। नियाज। बहन भाई है घर पे कोई? है। भाई है बहन है? बहन भी है भाई भी है। बहन भी है भाई भी है। बड़े हैं आपसे? हाँ मेरे से बड़े 2 जने है। दोनों बड़े हैं आपसे? यहाँ पे खाना कल किसने दिया आपको? वो अंकल ने दिया था। अंकल ने दिया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये लड़की है शर्मिली नाम बता रही है अपना, और बीरापुर जगह का नाम कुछ बताया जा रहा है, अगर इसको गूगल करें तो वो वेस्ट बंगाल निकलता है। तो अब ये पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तेजेंद्र सिंह अमन जी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो जा रहे थे यहाँ से तो उन्होंने रुके यहाँ पर, उनसे बातचीत करूँगा मैं, क्योंकि जिम्मेवारी हमारी सिर्फ खबर करने की नहीं है, इसे कहीं रखवाया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम इसका रहने का बंदोबस्त करेंगे। अमन जी आप यहाँ से जा रहे थे, आप रुके यहाँ पर, अब ये एक इतनी ज़्यादा एस उसकी लग नहीं रही, बची है यहाँ पर, जैसे खुद बता रही है कोई टेम्पो वाला आया रुका मुझे आधे रास्ते में छोड़ गया। तो इस तरीके की मुझे भी जब फ़ोन आया तो यही बताया था कि कोई आते हैं रात के समय इसको ले जाते हैं फिर छोड़ देते हैं यहीं पर। तो अभी इसका रहने का बंदोबस्त नहीं, वेस्ट बंगाल जगह आ रही है मुझे बता रही है, अब रास्ते कैसे कैसे नहीं ये तो पता नहीं है।
क्या करेंगे घर तक पहुंचाने का या कि रहने का बंदोबस्त करेंगे, किस तरीके से होगा? देखिए, मैं तो अपनी तरफ से यही कर सकता हूँ कि मैं इनको गुरुद्वारा साहब में रहने के लिए जगह लेके दे सकता हूँ फॉर द टाइम बींग। परमानेंट तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि एक बेटी है, ये बहन है हमारी छोटी। तो जैसा कि आपने पहले भी बताया और आपने ये अपनी वीडियो में भी बोला कि कुछ लोग आते हैं इसको लेके जाते हैं, तो अगर तो इसकी मर्जी होगी, सबसे पहले तो मैं इसको गुरुद्वारा साहब में आज रहने के लिए जगह दे देंगे, और उसके बाद अगर ये बताती है कि कहाँ की है तो हम उसका पूरा खर्चा उठाएंगे और इसको जहाँ की ये रहने वाली है वहाँ तक उसको मुँह पहुँचाने की जिम्मेवारी हम लेंगे। ताकि जैसे हमारी बहन है वैसे ये भी किसी की बेटी है, तो हम चाहते हैं कि सुरक्षित अपने घर में पहुँचे। अगर ये भटकी हुई है तो हम इसका पूरा साथ देंगे। मैंने पूछा उसको, मैं बोला जैसे आपका नाम लिया, मैं कहा कोई आपको रखेंगे रहेंगे, बोलती मैं रहने को तैयार हम रहने के लिए, मैं इसको पर्सनल अपने घर में नहीं, मैं गुरुद्वारा साहब में लेके जाऊंगा। गुरुद्वारा साहब का जो मैनेजमेंट है वो इसको देखेगा, वो इसकी मतलब कि आज का दिन जितना भी होगा, जो इसको खाना चाहिए होगा या रहने के लिए जगह होगी, वो हम इसको वहाँ पे रखेंगे। बट मैं फिर भी ये बात फिर से बोल रहा हूँ कि परमानेंट हम इसको नहीं रख सकते क्योंकि एक बेटी है ये, तो हम चाहेंगे कि ये अपने घर में पहुँचे। तो अगर आज का दिन इसको हमारी मदद चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। एक इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते मैं इसकी सेवा करूँगा, जो मेरे से हो सका करूँगा। अगर ये अपना फुल एड्रेस बताती है, अगर इसको पैसे चाहिए, घर की टिकट चाहिए, वो भी मैं लेके दूँगा। ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि घर जाने का भी बंदोबस्त जो है, अगर ये एड्रेस बताती है सही तो हम इसे घर भी छोड़ेंगे। ये बहन यहाँ पर, ये भी यहाँ रह रही छोटे बच्चे का, ये रात के समय खाना आपने दिया? मैंने खाना दिया था, या कोई देखे गया था मेरे को, इसको मैंने किया, दीदी तुम ये खाना खा लो, और यहाँ ये कह रही दीदी मैं कि वो मेरे साथ चलेगा, वो नहीं आई मेरे साथ। मैंने बोला कोई भी बंदा है कि तेरे को लेके चला जाएगा बहन। तू यहाँ दिन से आप देख रहे हो इसे यहाँ? इसको 2-4 दिन हो गया भैया, हमारे ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन हो गया यहाँ देखने को, मेरे जब से यहाँ रहने लगी। और ऑटो वाला आते है, कोई भी बंदा आता है इसको उठा के वो काम काट के चला जाता, ऐसे वैसे यही बात है मेरे पास। अभी भी आए हैं सरदार साहब, आए हैं, ये बोल रहे हैं हम इसको ले जाएंगे, रखेंगे, खाना पीना मिलेगा, ले जाओ सर। मैं बोलती हूँ इसको लेके चला जाओ आप, कहाँ भी गरीब को कोई भी मारेगा इसको ऐसे। ये बहुत इंसानियत की बात है, और ये साफ तौर पर किस तरीके से, ये भी एक महिला है और महिला का दर्द इसने समझा, और किस तरीके से इन्होंने कहा कि हम जो है आज आप इसे ले जाइए और इसकी जिंदगी जो है वो बच जाएगी। फिलहाल वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना करें, अगर इसका कोई अपना इस वीडियो को देख रहा है तो इससे संपर्क जरूर कर ले। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तरुणा के साथ शो मिलेंगे बॉबल एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में सक्सेसफुल और अपने सपनों को जीने के लिए आपका चार्मिंग फेस और आपका कॉन्फिडेंस दोनों अहम रोल प्ले करते हैं। चार्मिंग फेस को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल आपकी प्रीटी स्माइल बनाती है, वहीं आपके दांत आपकी प्रीटी स्माइल में चार चांद लगाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ब्यूटीफुल लुक्स, हैं परेशान अपनी स्किन प्रॉब्लम को लेकर, तो जम्मू से डॉक्टर पारुल वर्मा आपके इस विश को करेंगे पूरा। डॉक्टर पारुल जी एक एंडोडोंटिक्स कॉस्मेटोलॉजी एक्सपर्ट है, जिन्हें है कई इयर्स का एक्सपीरियंस इस प्रोफेशन में। तो देख किस बात की है, जल्दी कंसल्ट करें अपने एक्सपर्ट को। हमारा पता है IV क्लिनिक गांधीनगर।